हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू मेरी कहानी व्लॉग्स। तो गाइस, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक मास्क, ग्लोइंग मास्क, वाइटनिंग मास्क, जो आप ईद की तैयारी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। तो सबसे पहले मैं यूज करने वाली हूँ राइस फ्लोर, चावल का आटा। तो ये मेरे पास है अर्स का राइस फ्लोर, ये मैं ले रही हूँ 1 चम्मच, क्योंकि मेरा फेस छोटा है तो मैं मुझे ज्यादा क्वांटिटी नहीं चाहिए। और उसके साथ ही मैं ले रही हूँ 1 चम्मच मैदा, ये मेरे पास मैदा है, ठीक है। तो ये जो मास्क है ये वाइटनिंग के लिए, और पिगमेंटेशन की है, स्किन पे पिगमेंटेशन है, और ये पिंच पिंच से थोड़ा ज्यादा है हल्दी। और अगर आपकी स्किन जो है वो ऑयली नहीं है तो इसमें आप थोड़ा सा देसी घी इस्तेमाल करें, और अगर आपकी स्किन जो है वो ऑयली है मेरी तरह तो इसको आप रोज वाटर से बनाएं, अच्छा सा स्मूथ सा पेस्ट बनाएं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा डिनर भी बन रहा है और यहाँ पे मैं वीडियो भी रिकॉर्ड कर रही हूँ, इसको स्मूथ सा पेस्ट बना के बस लगा दे और गोरे चिट्टे हो जाएं। आप किचन की चीजों से ही अपना जो है वो मास्क जो है वो तैयार कर ले। इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो ना ही इतनी थिक हो ना ही रनी हो, स्मूथ सा पेस्ट बना के फिर आप इसको लगा दें, क्योंकि मेरी स्किन ऑयली है तो मैं ऑयली चीजें, वरना इसमें जो देसी घी डलता है वो तो बहुत ही बेनिफिशियल है स्किन के लिए, पर बट जिनकी ड्राई स्किन है तो मेरी जो है वो ऑयली स्किन है तो मैं ऑयली चीजें जो है वो ऑयली क्रीम्स वगैरह सिरम्स वगैरह अवॉइड करती हूँ, इसलिए मैंने इसमें रोज वाटर यूज किया है। तो देख सकते हैं आप, इसको स्मूथ साइज का पेस्ट बन गया है। अब इसको आपने लगाना है यूं और बस छोड़ देना है 15-20 मिनट के बाद, फिर आप देखिएगा अपनी स्किन का ग्लो, वाइटनिंग, पिगमेंटेशन। तो इसके जो रिजल्ट्स हैं वो आपको क्लियरली नजर आएंगे। ये हफ्ते में आप 2 से 3 मरतबा इसको यूज कर सकते हैं और अल्टरनेट डे पे भी आप इसको बना के यूज कर सकते हैं। सो गाइस, अब जो मैं मास्क तैयार करने वाली हूँ वो हेल्दी है और नेचुरल है फुली। तो इसमें जो मैं शामिल करूँगी इंग्रेडिएंट्स वो होंगे बादाम और एक फ्रूट एप्रिकॉट, आड़ू इसमें मैं मैश करके डालूंगी, और बादाम को भी मैं जो है वो इसको अच्छी तरह से पीस लूंगी और इसका स्मूथ सा पेस्ट बना लूंगी, आड़ू का भी और बादाम का भी। तो गाइस, इन दोनों चीज़ों को मैंने स्मूथ सा पेस्ट बना लिया है और इसमें मैं शामिल करूंगी दूध की मलाई, जो सिंपल हम दूध लेते हैं दूध वाले से, उसको बॉईल कर दें और उसकी मलाई उतार दें और इस फेस पैक में जो है वो डाल दें, शामिल कर दें और इसको अच्छी तरह से आप ग्राइंड कर लें, पेस्ट बना लें और अपने फेस पे लगा दें। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि दूध में जो है वो लैक्टिक एसिड होता है और पीच जो है वो विटामिन सी से भरपूर होता है, और जो आलमंड है वो हमारी गोरी रंगत निखारने के लिए कितने बेनिफिशियल होते हैं। और इस मास्क को लगाने के बाद जो है स्क्रबिंग भी हो जाती है, जब ये सूख जाए तो आप इसको स्क्रब करके हल्का हल्का उतार दें। और यहाँ पे मैंने लगा लिया है, आप भी फटाफट लगा लें और मिलते हैं ईद पे।